में हम जिसके लिए हमें चाहिए। चिकन लिए हमने 300 ग्राम, जिसे हमने इस तरह लंबाई में कटिंग की हुई है इसकी। प्याज लिया 1 अदद, जिसे हमने इस तरह काट लिया है। हरी प्याज लिया 1 अदद, जिसे हमने छोटा छोटा काट लिया है। शिमला मिर्च लिया 1 अदद, उससे भी हमने चिकन की तरह ही कटिंग की हुई है। और टमाटर लिया है 1 अदद, उसकी भी कटिंग हमने इसकी तरह की हुई है। एक पैकेट हम स्पैगेटी का लेंगे और नमक डालेंगे हम उस पर। जब हम स्पैगेटी को बॉईल करेंगे, नमक डालेंगे हम 1/2 टीस्पून। और चिकन की जो हम ग्रेवी तैयार करेंगे उसके लिए हम चीज़ें चाहिए। सिरका चाहिए 2 टेबल स्पून, सोया सॉस चाहिए 2 टेबल स्पून, लहसुन चाहिए क्रश किया हुआ 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर चाहिए 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए 1/2 टीस्पून, ऑरिगेनो चाहिए 1/2 टीस्पून, नमक चाहिए 1/2 टीस्पून, ज़ीरा चाहिए हमें 1/2 टीस्पून, कॉर्नफ्लावर चाहिए हमें 2 टेबल स्पून, केचप चाहिए हमें 2 टेबल स्पून, और ऑयल चाहिए हमें 1/4 कप, और 1 टेबल स्पून हम स्पैगेटी के लिए लेंगे। एक बर्तन में हमने 2 लीटर पानी लिया, उसे हमने बॉयल किया हल्का सा, और अब इसमें हम नमक डालेंगे और 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। और ये स्पैगेटी का पूरा पैकेट हम इसमें डाल देंगे और इसको हम 8-10 मिनट बॉयल करेंगे, उसके बाद इसे निकाल लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे छान लेंगे। थोड़ा तो सा पानी डालेंगे ठंडा, इसको निकाल लेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे इसके ऊपर, ये साथ में चिपके हैं ना इस वजह से। चिकन को मैरिनेट करेंगे हम, उसके लिए सबसे पहले नमक डालेंगे, ब्लैक पेपर, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, सोया सॉस और सिरका, इसे मिक्स कर लेंगे। इसको मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। एक बर्तन लेंगे, उसमें ऑयल डाल देंगे। लहसुन डालेंगे, लहसुन को हम 2-3 मिनट तक ब्राउन करेंगे। लहसुन गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। चिकन को हम 2-3 मिनट पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तीन मिनट तक हमने चिकन को फ्राई किया, अब हम इसमें पानी डालेंगे। तकरीबन 4 टेबल स्पून पानी डाला हमने इसमें, और इसे कुक करेंगे तकरीबन 5 मिनट तक। पाँच मिनट हो चुके हैं, कॉर्नफ्लावर में पानी शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने पानी डाला और इसको सारा मिक्स कर लेंगे। अब इसको हमने इस तरह अच्छे से मिक्स करके अब इसमें हम कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें हम कैचअप शामिल कर देंगे। इसको मिक्स कर देंगे, तकरीबन 2 मिनट इसे पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। कटी हुई प्याज डालेंगे, और इसको मिक्स करेंगे। बस इसे हम 2 मिनट पकाएंगे। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। और
और इसमें ऑरिगेनो शामिल कर देंगे। अगर आपके पास ऑरिगेनो नहीं है तो आप मत डालें। अब हम इसमें बॉयल की हुई स्पैगेटी डाल देंगे। और इसको साफ कर लेंगे। और लास्ट में कटी हुई हरी प्याज डाल देंगे। फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। अब इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे हम। तैयार है चिकन वेजिटेबल स्पैगेटी। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।